दोस्तों आज हम लोग घर पे पनीर बनाना सीखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे दूध को पहले बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये बॉईल हो रहा है, अभी हम छेने का पानी का मतलब पनीर का जो पानी होता है वो डालेंगे, या अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू का रस डालें। पनीर का पानी डालने से ये मतलब तुरंत में पानी जैसी हो जाती है और पनीर अलग, अभी आप इसे देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसे कपड़े में नहीं बांधेंगे, इसे आपको थोड़ा देर तक चलाना है। अभी ये उठाने पे हल्का सा दही जैसा दिख रहा है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद खुरदरा सा दिखने लगेगा तब हम लोग सूती के कपड़ा लेंगे और ऐसा वाला छन्नी। अभी ये खुरदरा सा दिखने लगा है, अब इसे हम लोग निकाल कर 10 मिनट के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद सारे पनीर अंदर चले जाते हैं। अब एक खाली बाउल लेंगे या फिर कोई कटोरी, उसके ऊपर ये छन्नी रखेंगे और फिर कपड़ा। अब इसके ऊपर हम लोग पनीर को डालेंगे। ये पानी है तो पहले ही चला जाएगा। यहाँ पे हमने पनीर को डाल लिया है। अब स्पून के हेल्प से इसे छोटे छोटे टुकड़े में चाहे तो आप कर सकते हो, या फिर नमक देने से पहले इसमें आप थोड़ा सा पानी देकर धो लें। क्या है ना कि नींबू वाला होता है तो उसमें जो खट्टापन होता है वो निकल जाता है, और इसमें हमने छेने का पानी डालकर फोड़ा था तो उसमें स्मेल जैसी या फिर खट्टा कुछ नहीं होता है। कपड़े में डालने के बाद इसे ऐसे ही निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद ये गोल हो गया, तो गोल का जो खुरदरा वाला हिस्सा है उसे हम लोग नीचे करेंगे और चिकना वाला ऊपर। अब इसके ऊपर हम लोग एक प्लेट को रखेंगे, छोटी सी प्लेट। इसे अच्छे से दबा देना है और इसे फिर से वैसे ही करके चिपकाना है। यहाँ पे जो बीच में जो खुरदरा सा हिस्सा दिख रहा है उसे आप फिंगर की मदद से मूव करके बराबर कर लें, और यहाँ पे इसे ऐसे ही लपेट कर पूरा टाइट करें। अब हम एक बॉयल लेंगे, बॉयल को रख देना है। अब इसके ऊपर हम कोई भी भारी सामान रख देंगे और इसे ज़्यादा नहीं 20 से 30 मिनट, मतलब जैसे ही पनीर ठंडा हुआ तो पनीर कम्प्लीट हो जाता है। हमने इसे 30 से 40 मिनट तक रख दिया था, अब ये पनीर बन चुका है। अब हम इसे खोल कर देखते हैं तो हमारा पनीर बिल्कुल तैयार है। अब इसे आप कट कर लें, और कट करने के बाद अपनी पसंद की पनीर रेसिपी बनाएं। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया है, आप वहाँ से पनीर की स्वादिष्ट रेसिपी बनाना सीख जाएंगे। या फिर ये जो वीडियो दिख रहा है मटर पनीर का, इसको देखने के लिए कॉर्नर में आई बटन है, आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो को इंजॉय करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।